अस्सलामु अलैकुम। क्या आप भी किसी के भी डिलीटेड मैसेजेस को देखना चाहते हैं? यानी किसी बंदे ने या बंदी ने आपको मैसेज भेज तो दिया और भेजने के बाद में तुरंत ही एक घंटे के अंदर अंदर में डिलीट कर दिया, वो सभी के लिए, यानी आपके पास से भी डिलीट हो गया और उसके पास से भी डिलीट हो गया। बट आप उसको देखना चाहते हैं कि आखिर उसने भेजा क्या था, क्या भेजा था यार, मुझे जानना है। तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। एकदम श्योर, आप अगर इस वीडियो को पूरा फुल फॉलो कीजिएगा तो आप श्योरली उसके मैसेज को देख पाइएगा और वो जो मैसेज डिलीट करेगा तो उसके लिए तो डिलीट हो जाएगा, सभी के लिए डिलीट हो जाएगा, लेकिन आपके लिए बिल्कुल भी डिलीट नहीं होगा। कैसे? तो इस वीडियो को फॉलो कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जी हाँ, चाहे आप किसी के चैट की बात कर रहे हो या फिर किसी ग्रुप की बात कर रहे हो, ना ग्रुप में से कोई आपके लिए मैसेज डिलीट कर पाएगा, ना ही चैट में से आपके लिए कोई मैसेज डिलीट कर पाएगा। जी हाँ, डिलीट फॉर एवरीवन जो करता है ना, वो कोई भी कर दे, लेकिन आपके पास से डिलीट होने वाला ही नहीं। आप बिल्कुल आराम से देख लीजिएगा कि क्या मैसेज था। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं मैसेजेस को डिलीट करके बता देता हूँ कि देखिए डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा है डिलीट। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली कोई भी एक एप्लीकेशन ओपन कर लूँगा, यानी व्हाट्सएप एप्लीकेशन, जैसे व्हाट्सएप बिजनेस मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं मैसेज अभी भेजूँगा, अभी जस्ट सेंड करूँगा, अस्सलाम वालेकुम। मैंने यहाँ से शेयर किया यानी सेंड किया इस चैट के ज़रिए। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, ग्रुप में भी मैं मैसेज डाल दूँगा, अस्सलाम वालेकुम। मैंने डाल दिया। अब इसके बाद में मैं आऊँगा यो व्हाट्सएप के अंदर में, यानी इस एप्लीकेशन के अंदर में, यानी दूसरे व्हाट्सएप में। यहाँ पर आने के बाद मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करूँगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता रहा है अस्सलाम वालेकुम मैसेज आया, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी अस्सलाम वालेकुम मैसेज आया। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस मैसेजेस को जो है डिलीट कर देता हूँ फॉर एवरी वन के लिए भी। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अस्सलाम वालेकुम मैंने क्लिक किया, यहाँ पे डिलीट फॉर एवरी वन मैंने क्लिक किया, डिलीट हो गया सभी के लिए। उसके बाद मैं इसको भी सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको भी डिलीट कर दूँगा सभी के लिए। ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब मैं आऊँगा दूसरे वाले व्हाट्सएप पे, यहाँ पर आकर के देखोगे तो आपको नज़र क्या आएगा, दिस मैसेज वॉज डिलीटेड। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी डिलीट फॉर एवरीवन करेगा तो आपके पास से वो डिलीट नहीं होगा, बल्कि आपको बता देगा कि वो मैसेज क्या भेजा है और वो आपके पास से डिलीट होगा ही नहीं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको यो व्हाट्सएप इंस्टॉल करना होगा। जी हाँ, डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल कर लीजिए और इसके अंदर में आप अपना अकाउंट बना लीजिए। इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपके मोबाइल नंबर के साथ में कुछ होगा, क्योंकि मैं इसको पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ और यूज़ करने के साथ साथ मैं इसको एक्सपीरियंस भी किया हूँ कि हाँ, ये एंटी बैन व्हाट्सएप के जो वर्जन है वो अपडेट कर चुके हैं, इस वजह से इसमें कोई इशू नहीं आ रहा है, मुझे तो अभी तक नहीं आया, इतना तो मैं कह सकता हूँ आपको। तो आपको इसे इंस्टॉल कर लेना, और ये एकदम बिल्कुल व्हाट्सएप जैसा ही काम करेगा, यानी बिल्कुल भी कुछ भी इसके अंदर में डिफरेंस नहीं है व्हाट्सएप में और ये व्हाट्सएप में, बस डिफरेंस है तो इसके अंदर में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स दे चुके हैं। जी हाँ, वही डिफरेंस है। तो आपको करना क्या है, सिंपली यो व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन करना है। इंस्टॉल करने के बाद में अगर आपको नहीं पता है कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। सिंपली आप क्या कीजिए, यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक कीजिए। थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद में यो व्हाट्सएप के अंदर में थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद में FM मोड्स, सिंपली आप इसके ऊपर में क्लिक कीजिए। यहाँ पर आने के बाद में आपको नजर आएगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इसके ऊपर में आकर के आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा चैट्स का सेक्शन। चैट्स के अंदर में आपको नजर आ जाएगा एंटी डिलीट मैसेजेस, सिंपली आप इसको ऑन कर दीजिए, यानी इसको आप इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के बाद में आप एक बार बैक कीजिए, दूसरी बार बैक कीजिए, व्हाट्सएप यो व्हाट्सएप रिफ्रेश होगा, रिफ्रेश होने के बाद में यहाँ पे आ जाएगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ से मैसेजेस को डिलीट करके, अब भी मैं क्या करूँगा, ग्रुप में मैं फिर से मैं मैसेज भेजूँगा, अस्सलामु अलैकुम मैंने मैसेज भेजा, और मैं क्या करूँगा यहाँ से इसे डिलीट भी कर दूँगा। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, दोनों में मैं भेज देता हूँ, अस्सलामु अलैकुम मैंने दोनों से भेज दिया और दोनों से रिसीव भी हो गया उधर। अभी मैं क्या करूँगा, चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ मैसेजेस देख करके कि हाँ दोनों में रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे आ गया अस्सलामु अलैकुम, देख लिए आप। ग्रुप में भी मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा अस्सलामु अलैकुम मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा व्हाट्सएप के अंदर में, यानी व्हाट्सएप बिजनेस में, और यहाँ से मैं दोनों को डिलीट कर दूँगा। यहाँ से मैंने इसको डिलीट किया, डिलीट फॉर एवरीवन डिलीट हुआ। अब मैं क्या करूँगा, ग्रुप से भी मैं डिलीट कर दूँगा। यहाँ पे मैं ग्रुप में गया, ग्रुप में आने के बाद में मैं यहाँ से इसको भी डिलीट कर दूँगा। मैंने यहाँ से इसको भी डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यो व्हाट्सएप ओपन करूँगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैसेजेस डिलीट नहीं होंगे, बस आपको सामने में एक कॉशन का निशान आ जाएगा कि भाई मैसेज, ये जो मैसेज है जिस बंदे या बंदी ने भेजा है उसने सभी के लिए डिलीट कर दिया है, बट आपके लिए डिलीट नहीं हुआ, वो मैसेज ऐसे का तैसे ही है, जैसे का तैसे वो मैसेज है ही। उसी के बाद में अगर मैं आपको बताऊँ चैट्स के अंदर में भी, तो यहाँ पे भी आपको इसी तरीके से बताएगा, उसके आगे बस एक कॉशन का सिंबल आ जाएगा, बट मैसेज जो है आपके लिए डिलीट कभी भी नहीं होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा और अपने दोस्तों को एकदम एकदम
अचंभित कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।